हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधिज़ डायरी। मैं हूँ निधि और आज मैं आपको एक ऑयल बताने जा रही हूँ। DIY ऑयल है जिससे आपका जो भी हेयर फॉल का इशू है या बाल आपके बहुत सफ़ेद हो रहे हैं एंड आप बहुत परेशान हैं, बाल कम हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो इन सब को दूर करने के लिए ये मेरा एक सिंपल सा स्टेप है ऑयल का, जो आप यूज़ कीजिए एंड डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। मैंने इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, एक है आंवला एंड दूसरा है करी लीफ। अलॉन्ग विथ आप कोई भी अपना कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल। तो आप इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए एंड मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो पहले सबसे पहले आप कर लीजिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको पता चलते रहे कि मैं कौन सी वीडियो डाल रही हूँ एंड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। मेन इंग्रेडिएंट हमारा यहाँ पे आंवला है। आंवला को हमने कट करके धो के ले लिया है, करीबन एक कटोरी आंवला है जिसको हमने अच्छे से कट कर लिया है। साथ में कोकोनट ऑयल है, करी लीफ है एंड उसके बाद हमें गैस पे कोकोनट ऑयल रखना है एंड गैस को बिल्कुल सिम रखिए, बिल्कुल हाई पे नहीं होने वाला ये कोई, ये प्रोसेस बिल्कुल सिम पे होगा एंड बिल्कुल धीमे आंच पे ही पकेगा सब कुछ। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो हमें करी लीफ डालनी है एंड उसके बाद साथ में ही आप जब 2-3 सेकंड बाद आप आंवला डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिलाइए एंड आंवला मिलाने के बाद आप करीबन इसको इसी तरह छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप हिलाते रहिए ताकि वो अंदर से बैठे नहीं, ऐसे वो जलता नहीं है लेकिन आप बीच बीच में हिलाते रहिए ताकि बराबर से पके एंड आंवला का जो अरक है वो हमारे तेल में आए, जो करी लीफ का अरक है वो भी तेल में आए। तो ऐसे आप उसको बीच बीच में चलाते रहिए, आधे घंटे तक आपको सिम करके छोड़ना है। सिम करने के बाद उसका जो कलर है वो चेंज धीरे धीरे होने लगेगा, पहले गुलाबी होगा एंड उसके बाद वो थोड़ा भूरे रंग के तरफ बढ़ेगा, तब हमें बंद कर देना। हम उसे काला नहीं करना है, ये इस तरह का रेड जैसा हो जाता है तब हमें बंद करना है। एंड ये देखिए हमारा जितना भी आंवला का जूस रस है एंड करी पत्ता का जो भी अरक है वो सब हमारे तेल में आ गया है। तो हमारा तेल हल्का अभी हल्का गर्म है, तो हमें इसे वेट करना है तब तक कि जब तक ठंडा ना हो जाए। जब ठंडा हो जाए अच्छे से तब हमें इसको ट्रांसफ़र कर देना है किसी बाउल में या फिर किसी कांच के बॉटल में। ये तेल बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है उनके लिए जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या होना स्टार्ट हुआ है, उनके लिए भी जिनके बाल गिर रहे हैं या थिन हो गए हैं, पतले हो गए हैं एंड काफ़ी पीछे की तरफ चले गए हैं, आपका फोरहेड थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, तो आप ये ट्राई कीजिए, ये ऑयल बहुत काम करेगा। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो भी आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोई भी जादू नहीं करता एक दिन में। तो अगर आपको ये आपको सच में अपने बालों के बारे में चिंता है एंड आप चाहते हैं कि वो अच्छे से ग्रो करे या फिर आपके जो बाल हैं वो वाइट ना हो, सफ़ेद ना हो, तो आप इस प्रोसेस को सप्ताह में, जैसे मैंने आपको बताया, तेल बना के रख लीजिए एंड यूज़ कीजिए सप्ताह में 2-3 बार एंड आपको महीने भर ये तेल लगाना है, तब जाके आपको फ़ायदा दिखेगा। आपके जो सफ़ेद बाल है वो धीरे धीरे काले होने लगेंगे, बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपसे अभी लेती हूँ अलविदा, फिर मिल लूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।